तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब ठीक होंगे? तो इतना दिन से ब्लॉग नहीं बना पाया, मैं बीमार था। ये जो मेरा गला में ना कब जमा हो गया था और बुखार हो गया था, तो फिर उसका बाद ठीक होने के बाद ये सब जो बाजार दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग, ये सबको ठीक कर रहा था। तो फिर आज यही ब्लॉग बनाएंगे। तो आज हमारे यहाँ पर अभी बारिश का टाइम है ना, तो अभी ये देखिए मछली, सिंगी मछली आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए, ये सब सिंगी मछली है और ये इसको काटा है ना, इसलिए ये टेढ़ा हो गया ये मछली। गाइस देखो, यहाँ पर जोरदार बारिश हो रहा है बाहर तरफ देखिए, और ये हमारा अमरूद गाछ है, ये देखिए पक गया है अमरूद सब। लेकिन अभी खाने में मज़ा नहीं लगेगा, मैंने कि वो जो अमरूद सबको दिखाया है वो अभी बारिश का टाइम है ना। ये देखिए पानी गिर रहा है, तो अभी क्या होगा, अमरूद खाने से पूरा पंचा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, तो अभी नहीं खाता है। तो अभी पूरा देखिए पानी पानी हो गया है। गाइस हमारे वो जो आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, वो हम लोग उसको बोलते हैं डाबा डेंगा। तो आप लोग का क्या बोलता है उसको आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, मिर्चा नमक देखिए, और देखिए बहुत सारा पकड़ा है, बड़ा बड़ा है। देखो गाइस, ये मैगी है, अरे ये बहुत जल क्या एक ही है, बहुत झाल है। खाते खाते ना मेरा आंसू निकल गया है, तो खा लेता हूँ थोड़ा। बहुत झाला है, झाल लग रहा है। तो गाइस मैगी खा के ख़त्म हो चुका है। गाइस ये मिर्चा और ये प्याज है, मैगी का मसाला है पूरा भरती। ये इधर में मैगी पक रहा है, मतलब इसको उबालने के लिए। तो अभी मैगी बन जाने के बाद खा के दिखाना हूँ कैसा लगेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा गाइस। ये देखो मैगी, तो अभी मैं मैगी खा लेता हूँ। तो अभी मैगी खा रहा हूँ, बहुत मज़ा हुआ है। ज़्यादा मिर्चा नहीं दिया है, उस दिन बहुत झाल दे दिया था, तो आज एक मिर्चा दिया है, इसलिए ज़्यादा झाल नहीं है, नहीं तो दोनों आँख से आंसू निकल जाता है। फटाफट से खा लेता हूँ। गाइस अभी आ चुके हैं बांसबाड़ी, बांसबाड़ी में बांस काटने आए हैं बेम्बू, और जो बेम्बू का जो होता है ना, क्या होता है उसको, कोरिल, कोरिल खाता है, वो आपको भी दिखाता हूँ। ये कोरिल है। अभी ये मेरा जो वो गेट था ना, तो गेट का मतलब क्या है, वो जो सब सब बंद होता है ना, तो क्या किया गुरु सब तोड़ दिया है। तो अभी बांस काटेंगे यहाँ से, यहाँ से एक देख के, मतलब जो बूढ़ा टाइप होगा ना बांस, उसको काट लेंगे। फिर काट के फिर हम वो जो बाहर का दरवाज़ा है उसमें हम लगा देंगे काट के। तो फिर आपको बांस काटने के बाद आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी बांस काट लिया है, हाथ में ये घुस गया है यहाँ में, ये जो बुरा बांस है ना ये वाला, ये बहुत जोर धार रहता है और एकदम टाइट है, इसमें बनाने से मजबूत होता है। और तो अभी काटा है बहुत मजबूत से, मजबूती से काटा है अभी। अभी ना ऊपर में ना फंस गया है, आपको दिखाता हूँ। अभी ऊपर में जो है वो जो है ना उधर में, तो अभी हुआ में फंस गया है, अभी ज़ोर ज़ोर से टालना पड़ेगा। गाइस फाइनली बांस कटा हो गया है, बहुत आधा घंटा जैसा लगा कि इसको टालने में बहुत दिकदारी हुआ, टालने में आधा घंटा जैसा लग गया। तो अभी चलते हैं गेट बनाने के लिए। वो जो गेट है ना टीना का, वो दिखा देता हूँ आपको।
ये जो टीना का गेट है ना, ये सब देखिए, ये सब टूट चुका है। ये चीज़ यहाँ में रहता है, लेकिन ये चीज़ नीचे गिर गया है, तार सब मतलब छिड़ गया है जंग लग के। तो अभी खूटा भी पहुँच गया है, ये साइड का सड़ गया है, ये नीचे वाला ये सड़ गया है, ये सब देखिए टूट गया है, ये सब इधर कैसे ही लटका के रखा है इसको। अब इसको पूरा खोल देंगे, तो अभी इसको खोल के पूरा आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए अभी बांस सबको फाड़ दिया है, ये सब देखिए इधर में। अरे ये वाला है ना, ये वाला बांस, कच्चा वाला बांस, तो आपको ये लंबा दिखाई दे रहा है ना, तो आपको ये सल लगाना पड़ेगा। अरे ये जो ज़्यादा लंबा है ना, इसको ऐसा फोल्ड करना पड़ेगा। ये वाला काला वाला दिखाई दे रहा है बांस, इसको ऐसा फोल्ड करना पड़ेगा, तो आपको दिखा दूंगा मैं। अभी ये जो चुक्का चुक्का है ना, ये चुक्का चुक्का, तो अभी इसको साफ़ा करना पड़ेगा, फटाफट से काट लेता हूँ। तो ये देखिए, ये जब जो गट्ठी गट्ठी था सबको सबको काट दिया है, सब साफ़ा कर दिया है। वो लंबा वाला है ना, अभी उसको साफ़ करना पड़ेगा। देखिए गैस, अभी इस सबको खोल दिया है, तार वार सबको बांस सब खोल लिया है। और देखिए शाम भी होने लगा है, पूरा मुर्गी सब भी अपना अपना जगह जा रहा है। ये जो दरवाज़ा है इसको फटाफट से बनाना पड़ेगा, जो हमारा बाहर का जो दरवाज़ा है ना, तो अभी उसमें लगाना पड़ेगा। तो गोरू वोरू घुस जाता है, और उधर का तो है ये बेड़ा वड़ा टूटा है, तो अभी फटाफट से बना लेते हैं। तो गाइस अभी शाम हो गया है, देखिए पूरा देखिए शाम हो चुका है, लेकिन मेरा ये दरवाज़ा ना अभी तक नहीं बना है। तो बीच में बारिश गिर गया था ना, तो थोड़ा देर रुक गया था, बहुत ज़ोर से गिर रहा था बारिश, तो अभी हो गया है शाम। अभी ये दरवाज़ा को अभी थोड़ा बहुत हो चुका है, तो आपको मैं कल सुबह दिखाऊँगा, वीडियो में बने रहिएगा। गाइस ये देखो हमारा भांजा ये मोबाइल देख रहा है, रील्स। बाप रे गाइस, आज हमारा जो दरवाजा है तो बन के तैयार हो चुका है, ये बन के रेडी हो चुका है। कल शाम हो गया था बनाते बनाते, और बारिश भी आ गया था, हो गया है अभी अभी वो गेट में जाके लगा देना है। ये देखिए अभी बांध दिया है, ये जो बांस में कल काटा था, देखिए क्या मज़ा लग रहा है। और इस साइड का भी बनाएंगे ये सड़ा वाला टीना को। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि और आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। तो ब्लॉग आज यहीं तक ख़त्म करने हैं, तो इतना लंबा और नहीं बनाएंगे। कल बांस काट के ना इधर इधर में घुस गया था, और पाँव में लगा, और इधर में उंगली में कट गया ये काला वाला। तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।